ट्राइंगल्स के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सिक्स से स्टार्ट करेंगे इसके पहले वीडियो में फाइव तक करवाए थे सिक्स के लिए फिगर ये रहा इस फिगर में ए बी को पी क्यू से पैरल बोला है और ए सी को पी आर से वी हैव टू प्रूव दैट बी सी इज पैरल टू क्यू आर तो देखो कैसे होगा बहुत सिंपल है इन ट्राइंगल ओ पी क्यू मतलब इस ट्राइंगल में ए बी पी क्यू से पैरल है तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ ए बाई ए पी इक्वल्स टू ओ बी बाई बी क्यू होगा वही चीज लिखी है इन ट्राइंगल ओ पी क्यू ए बी इज पैरल टू पी क्यू तो बाय थेल्स थ्योरम दिस फिर इस तरफ का ट्राइंगल लेंगे ओ पी आर तो इसमें लिखेंगे ए सी इज पैरल टू पी आर उसको इक्वेशन वन और टू में दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल होगा क्योंकि ये वाला साइड कॉमन हो जा रहा था ना तो दोनों का राइट right साइड भी इक्वल होगा तो लिख दिए ओ बी बाई बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर अब देखो ओ बी कौन सा साइड हो रहा है ये वाला तो हम लोगों का आया ओ बी बाई बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर तो इस अगर ये साइड्स प्रोपोर्शनल है तो बाई कन्वर्स थेल्स थियोरम बी सी इज पैरल टू क्यू आर प्रूव हो गया तो यही लिखना था सेवंथ क्वेश्चन देखो क्या है उसका फिगर नहीं दिया यूजिंग थियोरम सिक्स पॉइंट वन मतलब थेल्स थियोरम यूज करना है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरल टू अनदर साइड द थर्ड साइड मतलब एक ट्राइंगल दे दिया है और एक मिड पॉइंट दे दिया सपोज डी मिड पॉइंट है तो बोला है कि अगर एक मिड पॉइंट से एक पैरल लाइन ड्रॉ करेंगे तो प्रूव करो कि वो थर्ड साइड को बाइसेकट कर रहा है मतलब प्रूव करना है कि ई मिड पॉइंट है तो बेसिकली इक्वल्स टू ए सी प्रूव करना है तो इसमें लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी एक मिड पॉइंट दे दिया और लाइन पैरेलल दे दिया जब लाइन पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं एडी डीबी इक्वल्स टू एई ईसी अब एडी और डीबी तो इक्वल है ना तो ये कट के 1 हो जाएगा तो 1 एई ईसी अब EC क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर आ रहा है तो हो गया AE टू ई सी तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि ई इज द मिड पॉइंट क्वेश्चन एट में इसका ही रिवर्स दिया बोला थ्योरम सिक्स पॉइंट टू मतलब कन्वर्स थेल्स थ्योरम है इसको यूज करके प्रूव करना है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरल टू द थर्ड साइड मतलब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो थर्ड साइड से पैरेलल होगा सो हेयर वी हैव टू प्रूव दैट डी ई इज पैरल टू बी सी ये प्रूव करना है. तो लिखेंगे लेट अस कंसिडर अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट यहां हम लिखना भूल गए वो पोर्शन लेट अस कंसिडर अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी नाउ सिंस डी इज द मिड पॉइंट ए डी इक्वल्स टू डीबी दोनों इक्वल होगा तो अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे बाई करके तो आंसर भी equation वन आएगा इसको इक्वेशन वन दिए सिमिलरली ए बाईसी इक्वल होगा क्योंकि ई मिड पॉइंट है तो दोनों का रेशियो भी वन आएगा तो फ्रॉम वन एंड टू से क्या मिल रहा है अगर दोनों ही वन से इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाईसी तो हो गया ना बाई कन्वर्स थेल्स थियोरम डी ई इज पैरल टू बी सी काफी इजी सम्स है ये सब एक बार प्रैक्टिस करने से ही हो जाएगा फिर क्वेश्चन नाइन और टेन सिमिलर है क्वेश्चन नाइन में क्या है एक एक्ट्रपीजियम दे दिया ए बी सी डी सच दैट ए बी इज पैरल टू डी सी डायग्नल्स इंटरसेक्ट करता है इस तरह से है ये ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है तो प्रूव करना है कि ए बाई बी ओ इक्वल्स टू ओ सी बाई सी डी पहले हम लोग क्या करेंगे ए बी और सी डी तो पैरेलल है ही हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे ई ओ जो दोनों से पैरेलल होगा तो करेंगे ड्रॉ ई ओ पैरल टू ए बी पैरल टू सी डी अब एक बार हम ट्राइंगल ले रहे हैं ऊपर वाला ये ट्राइंगल मतलब ए बी डी ट्राइंगल है देखो हम नीचे में ड्रॉ कर दिया अलग से ए बी डी और ईओ इस तरह से पेरल है तो जब ईओ ओ पैरल है तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी ईओ पैरल टू तो ए बी तो बाई थेल्स थियोरम ए बाई डी इक्वल्स टू बी ओ बाई डी ओ ये रहा इसको इक्वेशन वन दे दिए फिर एक बार हम ट्राइंगल लिए नीचे का ये वाला ट्राइंगल क्योंकि हमको एक बार ईओ को ए से पैरल करना था वो कर दिए अब एक बार ईओ को डी से पैरल करना है तो जब डी लेंगे तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा ए तो वही लिखे हैं देखो नीचे में ए भी अलग से ड्रॉ कर दिए ये सब ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है कन्वीनियंस के लिए बस हम कर दिए तो जब नीचे वाला ट्राइंगल ले रहे ए डी सी ई ओ इज़ पैरल टू डी सी तो बाई थेल्स थियोरम लिख सकते हैं ए ई बाई ई डी इक्वल्स टू ए ओ बाई ओ सी वन और टू से क्या मिल रहा है दोनों में ए ई बाई ई डी आया तो दोनों का राइट साइड इक्वल हो गया लेकिन प्रूफ में ए ओ के नीचे बी ओ को रखा था तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको नीचे भेज देंगे और ओ सी को ऊपर भेज देंगे तो हो गया प्रूफ? क्वेश्चन टेन क्या है बोला है कि एक क्वाड्रिलैटरल ए डायगनल इंटरसेक्ट करता है देखो सेम कंडीशन दिया उसमें बोल दिया था ट्रपीजियम है और ये इक्वल प्रूव करना था इसमें इक्वल दे दिया है ट्रपीजियम प्रूव करना मतलब एक साइड को पैरेलल प्रूव करना तो उसमें हम लोग क्या किए थे ई ओ ड्रॉ किए थे जो दोनों से पैरल है क्योंकि आपस में दोनों साइड पैरल था इसमें हम ई e ओ को सिर्फ एक साइड के साथ सपोज ए बी के साथ पैरल ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉ ई e ओ पैरल टू ए बी तो ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ए बी डी इसमें ई ओ इज पैरल टू ए बी तो बाई थेल्स थियोरम क्या होगा ए ई बाई ई डी इक्वल्स टू बी ओ बाई ओ डी ये लिख दिया लेकिन गिवन ये भी कंडीशन है क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है तो इसी को कॉपी में लिख दिए ए बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ जो इक्वेशन वन है उसमें ओ बी बाई ओ डी है तो यहां देख के क्लियरली समझ में आ रहा है कि ओ बी को इधर भेजेंगे और सी ओ को नीचे भेजेंगे ए बाई सी ओ और बी ओ बाई डी ओ इसको इक्वेशन टू दे दिए तो इक्वेशन वन और टू का दोनों का लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट इक्वल होगा ना तो फ्रॉम वन एंड टू वी गेट ए ई बाई डी इक्वल्स टू ए ओ बाई सी ओ अब फिगर में देखो क्या बन रहा है तो ए ये रहा ए ई बाई ई डी इक्वल्स टू ए ओ बाई सी ओ मतलब क्या बन गया ये इस तरह से ट्राइंगल हो गया तो बाई कन्वर्स थेल्स थी EO, CD से पैरल हो गया तो लिखे बाई कन्वर्स थेल लेकिन EO को तो हम लोग ए बी से पैरल ड्रॉ किए थे तो इसका मतलब क्या होता है कि ए बी और सी डी आपस में पैरल है जब एक साइड पैरल आ गया तो इट इज अ ट्रपीजियम तो लिखना फिर ए बी सी डी इज अ ट्रपीजियम तो ये हो गया पूरा एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू इसमें हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनिटी थ्योरम यूज करके पूरा किए नेक्स्ट है कि हम लोग ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे जैसे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम लोग तीन क्राइटेरिया लिखते थे ना तो उसी तरह से ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है तो एक क्राइटेरिया होता है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी में भी ट्रिपल एस था लेकिन ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है अगर ट्रिपल एस से इसका मतलब सारा साइड इक्वल होगा तब हम लोग बोलते थे ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट है लेकिन सिमिलैरिटी में इक्वल तो होगा नहीं तो इसमें क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है जैसे हम ए बी और डी ई e का रेशियो निकाल रहे हैं ए बी बाई डी ई तो ये थ्री है और इधर फोर पॉइंट फाइव है इसका डेसिमल ऊपर हटा फिर फाइव से कट कर रहे हैं तो रेशियो आया टू बाई थ्री फिर एक बार हम ए सी बाई डी एफ कर रहे हैं तो एट बाई ट फोर से कट के आ रहा है टू बाई थ्री और एक बार बी सी बाई ई एफ निकाल रहे हैं तो सिक्स बाई नाइन थ्री से कट रहा है तो रेशियो आ रहा है टू बाई थ्री तो दो ट्राइंगल का तीनों कॉरस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो रहा है सबका रेशियो सेम आया ना तब हम लोग बोलेंगे कि ये ट्राइंगल ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुवेंट है तो हम बोलेंगे ए बी सी इज कॉन्ग्रुवेंट टू ट्राइंगल नाम क्या देंगे ए बी किसके साथ प्रोपोर्शनल हुआ डी ई e के साथ तो फिर ए बी सी किए तो डी ई एफ और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रिपल एस तो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में देखते थे तीनों साइड इक्वल है इसमें हमको सबका रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा तो ये हुआ सिमिल सिमिलर ट्राइंगल्स का पहला क्राइटेरिया ट्रिपल एस फिर एक होता है ट्रिपल ए मतलब सारा एंगल इक्वल होगा ये हम एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से ही दिखा देते हैं सपोज ये वाला क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन है तो इसमें दो ट्राइंगल हैं ए पी के साथ इक्वल है तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी बी क्यू के साथ इक्वल है और सी के साथ आर इक्वल है तीनों एंगल इक्वल है ना तो इसका मतलब ट्राइंगल एक जैसा ही है सिमिलर है तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ए के लिए क्या आएगा पी बी के लिए क्यू सी के लिए आर ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर ब्रैकेट में रीजन क्या होगा ट्रिपल ए जैसे ट्रिपल एस था वैसे ट्रिपल ए मतलब तीनों एंगल इक्वल है तो ये एक दूसरा क्राइटेरिया हुआ दूसरा क्राइटेरिया ट्रिपल ए अब एक कॉमन सेंस का बात है कि अगर एक ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल है सपोज ये एक ट्राइंगल है 80 डिग्री और 70 डिग्री यहां ए बी सी है और यहां 80 है 70 है ये पी क्यू आर है तो 80 और 70 दो एंगल इक्वल है तो ऑब्वियस सब बात कि तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा क्योंकि इसका तीसरा एंगल कितना होगा 80 प्लस सेवेंटी वन तो 180 एटी माइनस वन फिफ्टी डिग्री आएगा उसी तरह से यहाँ भी 30 डिग्री ही तो आएगा तो इसका मतलब अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल होगा तो उतना निकाल के नहीं दिखाते हैं एक दूसरा क्राइटेरिया है डबल ए तो इसका मतलब दो एंगल इक्वल है तो भी हम लोग ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं तीन है तो उसी को यूज़ करेंगे दो है तो वैसे भी दिखा सकते हैं तो अब यहाँ ट्राइंगल कैसे लिखेंगे अगर हम ए बी सी लिख रहे हैं तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि ए के साथ सेवेंटी पे आर आ रहा है तो हमको ए के बदले आर लिखना होगा बी के बदले क्यू और फिर पी बच रहा है आर क्यू पी और ब्रैकेट में क्राइटेरिया रहेगा डबल ए तो अभी तक हम लोग ट्राइंगल सिमिलर करने का एक ट्रिपल एस देखे एक ट्रिपल ए और एक देखे डबल ए फोर्थ क्राइटेरिया होता है एस ए एस इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड देखो सपोज ये वाला फिफ्थ फिगर इसमें ए बी टू पॉइंट फाइव है और डी एफ फाइव है तो अगर हम यहां पर ए बी बाई डी एफ निकालेंगे तो टू पॉइंट फाइव बाई फाइव ये टेन हो जाएगा रेशियो हाफ आ रहा है और बी सी बाई ई एफ कर रहे हैं तो बी सी थ्री है ई एफ सिक्स है इसका भी रेशियो हाफ आ रहा है तो दो साइड प्रोपोर्शनल हो गया अच्छा ये नहीं होगा डब एस सी एस से क्यों नहीं होगा देखो एस ए एस का मतलब दो साइड के बीच का एंगल तो यहां पर ये साइड इससे प्रोपोर्शनल हुआ और ये साइड इससे प्रोपोर्शनल हो गया अब जैसे इन दोनों के बीच में जो एंगल था 80 डिग्री वो इन दोनों के बीच का एंगल से इक्वल नहीं हो रहा है ना अगर यहां 80 डिग्री होता तब हम बोल सकते थे ये दोनों ट्रायंगल SAS एस ए एस से सिमिलर था तो बेसिक SAS एस मतलब क्या होता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वाले कंडीशन में हम लोग क्या देखते थे कि दो साइड इक्वल होगा और दोनों के बीच का एंगल इक्वल होगा लेकिन सिमिलारिटी में हम लोग देखते हैं कि दो साइड प्रोपोर्शनल होगा और वो दोनों के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए तो फिफ्थ वाला तो सिमिलर नहीं है रीज़न बता दिए ये फोर्थ वाला देखो इसमें एम है टू और इधर पी है फाइव तो अगर हम एम एल बाई पी क्यू निकाल रहे हैं तो टू पॉइंट फाइव बाई फाइव हाफ आ गया फिर इधर हम एम एल ले रहे हैं और इधर क्यू आर ले रहे हैं तो एम एल बाई क्यू आर फाइव बाई टेन होकर हाफ़ आ गया तो एक ये साइड इससे प्रोपोर्शनल हो गया ये इसके साथ प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच का एंगल सेवेंटी और इन दोनों के बीच का एंगल सेवेंटी इक्वल है तो ये एस ए एस से सिमिलर होगा अब जब एंगल ट्राइंगल का नाम लिखेंगे तो वो लिखना वो एकदम ध्यान से लिखना है तो अगर हम यहाँ लिख रहे हैं एन एम एल ट्राइंगल एन एम एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल तो देखो एम पे जो सेवेंटी है उसको बीच में रखना होगा क्यू फिर इधर NM टू पॉइंट फाइव ना ये इसके साथ प्रोपोर्शनल था तो इधर क्यू लिख चुके हैं तो इसका मतलब हमको इधर लिखना होगा पी क्यू तो इधर बनेगा पी क्यू आर समझ में आया एन एम टू पॉइंट फाइव था तो इधर पी क्यू टू पॉइंट पी क्यू उसका डबल हो रहा है फाइव एम सेवेंटी तो क्यू सेवेंटी फिर एम एल मतलब इस साइड के साथ क्यू आर था तो देखो क्यू आर आ गया जिस तरह से कॉन्ग्रुएंसी में सिखाए थे ठीक वैसे ही लिखते हैं तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट करने का फोर्थ क्राइटेरिया, सॉरी सिमिलर प्रूफ करने का फोर्थ क्राइटेरिया एस ए एस इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑलरेडी बता दिए कि ट्रिपल ए से सिमिलर है फोर्थ क्वेश्चन बता दिए एस ए एस से सिमिलर है फिफ्थ बताए कि सिमिलर नहीं है ये तीन बचा है इसमें से ये सब तुम लोग खुद से करना जैसे यहाँ पर थोड़ा ओरली करना यहां पर हमको टू का डबल फोर दिख रहा है थ्री का डबल सिक्स दिख रहा है टू पॉइंट फाइव का डबल फाइव दिख रहा है तो मतलब ही प्रोपोर्शनल है आई I मीन mean, मतलब सिमिलर है तो उसको थोड़ा लिख के दिखाना होगा जैसे यहाँ लिखना होगा ए बी के साथ कौन सा आ रहा था क्यू आर तो तुम लोग लिखना ए बी बाई क्यू आर इक्वल्स टू टू बाई फोर हाफ फिर इसके साथ पी क्यू हो रहा था तो लिखना ए सी बाई पी क्यू इक्वल्स टू थ्री बाई सिक्स हाफ और बी सी बाई पी आर बी सी बाई पी आर इक्वल्स टू टू पॉइंट फाइव बाई फाइव इक्वल्स टू हाफ फोर ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल अब नाम क्या देंगे ए बी के साथ कौन प्रोपोर्शनल हुआ क्यू आर अब क्यू आर को क्यू आर लिखना है या आर क्यू वो तुमको लिख के ट्राई करना होगा तो एक बार हम क्यू आर पी लिख देते हैं अब मैच करना होगा सारा सेट हुआ या नहीं तो ए बी के साथ क्यू आर सेट हो गया अब यहाँ पीछे का बी सी बी सी के साथ क्या इक्वल था ये वाला साइड तो बी सी के साथ आर पी मैच हो गया फिर एक बार था ए सी फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर इसका फर्स्ट और थर्ड लेंगे मतलब क्यू पी तो वो भी मैच हो रहा है इसका मतलब ये लेना ठीक है तो पहले ये तीन साइड लिख के दिखाएंगे प्रोपोर्शनल है फिर इस तरह से दिखाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रिपल एस इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन खुद से करना सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है इसका दो एंगल दिया है लेकिन दोनों इक्वल नहीं दिया है डी ई एफ और पी क्यू आर तो 80 डिग्री दे दिया और इसको 30 दिया है इसको सॉरी इसको यहाँ 70 डिग्री दिया है और इसको 30 डिग्री दिया तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि ये दोनों को ऐड करेंगे और 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 30 ही आएगा और यहाँ भी इन दोनों को ऐड करेंगे और 180 से सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 70 ही आएगा तो हो ही जा रहा है दोनों ट्रिपल ए से सिमिलर तो पहले हमको एंगल एफ निकाल के दिखाना होगा और एंगल पी निकाल के दिखाना होगा उसके बाद सिमिलर प्रूव कर देना तो क्वेश्चन वन पूरा कंप्लीट करना इस तरह से हम क्वेश्चन टू स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टू में ट्राइंगल को सिमिलर दे दिया है तो फर्दर जो एंगल्स बोला है उसको निकालना है काफी सिंपल है यहां पर बोला है कि ओ डी सी ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ओ बी ए नाम बहुत ध्यान से लिखना तो अब निकालना है हमको एंगल डी ओ सी मतलब ये वाला एंगल डी सी ओ ये एंगल और ओ ए बी ये एंगल तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसका कॉरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होगा तो इसका मतलब ओ डी सी ओ डी सी नाम के साथ क्या सेट हो रहा है ओ बी ए तो ओ डी सी और ओ बी इक्वल होगा यहां हम लोग ये नहीं सोच सकते कि ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर भी बन रहा क्योंकि इन दोनों को पैरल नहीं बोला तो इसी वजह से हम लोग लिखेंगे सिंस दिस सिमिलर एंगल ओ डी सी इक्वल्स टू एंगल ओ बी तो ओडीसी तो सेवेंटी डिग्री पता है तो ओ बी ए निकल गया अब ओ ए बी चाहिए ओ ए बी ये किसके साथ इक्वल हो रहा है ओ सी डी के साथ इसके साथ लेकिन ये एंगल भी नहीं पता यहाँ ये वाला एंगल हम लोग निकाल सकते हैं ना लीनियर पेयर से ये वन एटी माइनस वन ट्वेंटी फाइव होगा तो हम लिख रहे हैं एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू वन एटी माइनस वन ट्वेंटी फाइव फिफ्टी फाइव डिग्री आ गया तो फिर ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ओ डी सी उसमें ये सेवेंटी है और ये फिफ्टी फाइव है तो ये कितना होगा दोनों को ऐड करेंगे और वन एटी से सबट्रैक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल दिस एंगल ओ सी डी इक्वल्स टू वन एटी माइनस सेवेंटी प्लस फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव डिग्री ही आया तो ओ सी डी फिफ्टी फाइव निकल गया ये भी फिफ्टी फाइव निकल गया अब ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल था तो लिख देंगे ओ ए बी इक्वल्स टू ओ सी डी नाउ ओ ए बी इक्वल्स टू ओ सी डी रीज़न क्या है दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो ओ ए बी आ रहा है फिफ्टी फाइव डिग्री इस तरह से कंप्लीट करना क्वेश्चन थ्री देखो, बोला है डायगनल्स ऑफ अ ट्रपीजियम इंटरसेक्ट इच अदर प्रूव करना है ओ ए बाई ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी ये हम लोग जो लास्ट वर्कशीट में किए हम लोग क्या कर रहे थे पैरल ड्रॉ कर दे रहे थे लेकिन इसमें ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि इसमें बोल दिया यूज सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करके करना है तो कौन सा दो ट्राइंगल लेना है ओ ए ओ सी और ओ बी ओ डी है मतलब हमको साइड कौन सा चाहिए ओ ए ओ सी ओ बी और ओ डी तो हम ये ऊपर नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे सिमिलर प्रूव करने के लिए तो ट्रपीजियम में तो पता ही है पैरेलल होता है तो हम लिख सकते हैं दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस ये भी इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल बट डबल ऐसे प्रूव हो जा रहा है तो क्यों लेंगे तो इन ट्राइंगल ए बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी एक बार तो हम ऐसे नाम ले लिए बाद में मैच करेंगे तो एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू ओ सी डी एंड एंगल ओ बी ए इधर वाला एंगल इक्वल्स टू तो ओ डी बी दोनों के लिए रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हम बोलेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल अब नाम ध्यान से लिखना है यहां ऐसे मत देखना ए ओ बी है तो इधर से फिर स्टार्ट कर देते हैं ए के साथ इधर का सी इक्वल हुआ था ना तो फिर लिखना होगा सी ओ डी रीजन क्या होगा डबल ई -E. ट्राइंगल सिमिलर हो गया जिस तरह से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता था तो फिर हम लोग बोलते थे ना सारा साइड इक्वल है तो इसी तरह से अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो उसका मतलब इसका कॉरस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा तो अगर हम इसका पहला दो लेटर ले रहे हैं ए ओ तो इसका पहला दो लेटर सी ओ बाई इसका लास्ट टू लेटर्स ओ बी तो इसका लास्ट टू ओ डी प्रूव्ड अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो साइड्स कॉरस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होता है यहां पर हम लोग क्या यूज किए थे कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल्स इक्वल है ये था क्वेश्चन थ्री एग्जाम में अगर ये कंडीशन नहीं बोलेगा तो हम लोग कोई सा भी प्रूव करने के लिए ले सकते हैं यहां पर हम लोग पैरेलल ड्रॉ करके भी थ्योरम से प्रूव कर सकते थे फिर कुछ इजी क्वेश्चंस कराते हैं फोर फाइव ये सब बाद में कराएंगे जैसे क्वेश्चन सेवन ये फिगर पहले कॉपी में ड्रॉ कर देते हैं फिगर दिख रहा है बस ये एडी ऑल्टीट्यूड है सॉरी I have drawn.